हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो सेट नंबर 19 के अपन बात करने वाले हैं, 18 सेट अपन कवर कर चुके हैं। 19 नंबर का ये सेट है जिसके अंदर अपन बात करेंगे 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट वन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके, तो अपन 100 क्वेश्चन को अपन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं और स्पेशली अपन उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनको अपने को समझने की जरूरत है। जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उनको अपन स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अपना जो सेट है वो कम से कम समय के अंदर अपन कवर कर सके। ओके, तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में। डेली बेसिस के ऊपर अपने एक पेपर सॉल्व करते हैं, 4 PM पे अपन डेली एक सेशन स्टार्ट करते हैं। उसी सीक्वेंस में आज अपन बात करेंगे सेट नंबर 19 के। ओके, तो बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन आज का जो है वो ये पूछा गया है कि एक जो वयस्क मानव शरीर है उसके अंदर कितने लीटर ब्लड होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कितने लीटर ब्लड होता है। देखिएगा, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 5 से 6 लीटर होता है। तो स्पेशली आपको यदि 5 लीटर देखने को मिले तो 5 लीटर के ऊपर टिक करना है। ध्यान देना है यहाँ पे लीटर है, कितने लीटर खून पंप करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 1 सेकंड के अंदर या 1 धड़कन के अंदर कितना ब्लड पंप करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो एक धड़कन के अंदर, धड़कन बोले तो एक हार्ट बीट के अंदर वो 70 ml ब्लड को पंप करेगा, 70 ml ब्लड को पंप करेगा। इसलिए 72 टाइम्स, क्योंकि एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, तो 72 मिनट में अप्रॉक्सीमेट वो 49 ml पंप करेगा। यानी कुल मिला के 5 लीटर अप्रॉक्सीमेट वो पंप करने वाला है एक मिनट के अंदर। तो मानव शरीर के अंदर कितने लीटर ब्लड होता है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे 5 लीटर होता है। ब्लड ग्रुप किसने दिया था, ब्लड ग्रुप दिया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। और रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड ग्रुप दिया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, और रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दिया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। दोनों ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का जो गुणनफल है वो 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन बना लेते हैं, जो भी अपने पास में इक्वेशन बनती है। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि स्वाति की आयु एस मान ले, अपर्णा की आयु ए मान लूँ, तो दोनों का जो गुणनफल है वो बन जाएगा मेरे पास में 120। आगे कह रहा है कि यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। क्लियर है, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो एस और इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। अब इसमें आपको बताना है कि स्वाति की आयु ज्ञात करनी है। स्वाति की आयु आपको ज्ञात करनी है तो गाइस आपको यहाँ पे अपर्णा को रिमूव करना है। अब अपर्णा को कैसे रिमूव करोगे, जो भी आपको दे रखा है अपर्णा यहाँ से है या यहाँ से है, एक जगह एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा और दूसरे इक्वेशन में आप पुट अप कर दीजिएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप आइडेंटिफाइड करना चाहो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे कि स्वाति की आयु लेना चाहते हो, स्वाति की आयु ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे आपने 18 ले लिया, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो। यदि एस बराबर 18 लेते हो तो यहाँ पे 3 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 a की वैल्यू हो जाएगी 18 + 2 यानी 20 हो जाएगी। 3 a की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके 20/3 हो जाएगी। अब a की वैल्यू यहाँ पे रख के देखिएगा, a की वैल्यू इसमें इक्वेशन में रखोगे पहले में, तो s इंटू 20/3 इक्वल टू 120, 20 का इसमें भाग गया 6 बार, तो s इक्वल टू 18। क्या s की वैल्यू 18 और a की वैल्यू 20/3 लेने से क्या ये इक्वेशन अपने सेटिस्फाइड हो रही है, दोनों का मल्टीप्लेक्शन हो रहा है क्या? ठीक है, एक तरीका तो अपना ऑप्शन से जाएंगे। दूसरा तरीका अपने को लेना है, जो इक्वेशन दे रखी है अपने को, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, दोनों इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल ली, जैसे कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी बनेगी, ए की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे एस प्लस 2/3, ये वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, तो एस इंटू ए की जगह मैं रख देता हूँ एस प्लस 2/3 इक्वल टू 120, तो एस इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 12×36=360। अब यहाँ से ऑप्शन की वैल्यू ले लीजिएगा, जैसे कि एस की वैल्यू आप 18 लेते हो, एस की वैल्यू 18 लेते हो, 18×2=20 हो जाएगा। क्या इनको मैं गुणा करूँ तो 360 आता है, क्या 360 आ रहा है, यानी मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन उठा के और या इक्वेशन को एक को दूसरे में रख के। क्लियर है, समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। पहला इक्वेशन आपको ये दे रखा है, दूसरी इक्वेशन ये बनती है, यहाँ से आपको एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक को हटाना आपको एस की वैल्यू निकालनी है, स्वाति की आयु निकालनी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो भी आती है, एक की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा एस प्लस टू अपन में 3 बन जाएगा। क्लियर है, अब ये जो एक की वैल्यू आ रही है वो इसमें रख दीजिएगा, इस इक्वेशन में देखो मैंने यहाँ पे रखा है,
तो एस इंटू एस प्लस टू अपन में 3, यानी ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है, इक्वल टू 120। एस इंटू एस प्लस टू इक्वल टू 360 बन रहा है। एस की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के देखी, एस की वैल्यू 18, तो यहाँ पे एस प्लस टू है तो 18 यानी 20 हो जाएगा। 18 और 20 को मल्टीप्लाइड करता हूँ तो आर एच एस आ रहा है, यानी यहाँ पे आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, मच्छर और मलेरिया का जिस तरीके से रिलेशन है वैसे किसका रिलेशन बनने का। मच्छर मलेरिया फैलाता है, तो यहाँ पे आपके जो तंबाकू है, तंबाकू की वजह से आपका कैंसर रोग होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं, ओके, तो दोनों, ये क्वेश्चन इजीली है, हो जाएगा। लिख देते हैं एक बार, सुनील और ये गोपाल हैं साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये, सुनील तो 20,000 रुपये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। गोपाल 30,000 रुपये, 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है। सिंपल सा आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपये हैं, उसमें सुनील का हिस्सा आपको बताना है। सबसे पहले आपको जो भी दे रखा है उसको सिंपल कर लीजिएगा, 40 से 40 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। 9×2=18 अनुपात हो गया 12×36 1:2, ओके। जो भी आपको राशि दे रखी है उस राशि को 1:2 के अंदर डिवाइड कर देना है। 1+2 यानी 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू यहाँ पे 60,000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे 20,000 हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू किसका पूछा, सुनील का हिस्सा, तो सुनील ये रहा, 1 की आ जाएगी, 1 की वैल्यू मेरे पास में 20,000 आ चुकी, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, 4 शब्दों में 1 शब्द वृक्ष समूह है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित है, वृक्ष समूह को पहचानेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, आइसलैंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। देखिए ऑप्शन में से स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किस कौन है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका बियरली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हैरी बियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। स्टेनलेस स्टील आपका 3-4 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनता है, स्टेक्रोनी, जिसमें क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है। कार्बन इसमें 0.02% होता है। स्टेक्रोनी क्रोमियम निकल और आयरन से मिलकर आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। इसके आविष्कारक आपके हैरी बियरली। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा आपका O3, ठीक है। ओजोन सबसे ज़्यादा आपकी समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे जिसने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो आंसर बनेगा यहाँ पे आर के षणमुगम चेट्टी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा, आर के षणमुगम चेट्टी। पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम चेट्टी, और यहाँ पे जो जॉन मथाई दिख रहे हैं आपको, जॉन मथाई थे पहले रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोजराज किस वंश से जुड़े थे, तो साहित्य के प्रख्यात राजा समर्थक राजा भोज, तो राजा भोज की बात करें तो इनका संबंध था परमार वंश से। राजा भोज का संबंध किससे था, आंसर बनेगा यहाँ पे परमार वंश से। मैकेपे क्या है, देखिए ऑप्शन में से अपने को बताना है मैकेपे क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो मैकेपे एक प्रकार का आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा है एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, 14 प्रक्षणों का माध्य 11 है, 14 प्रक्षण है उनका माध्य 11 है, तो टोटल हो जाएगी आपकी 14×11, ओके। इसी प्रकार से उनमें एक प्रक्षण और जोड़ा जाता है, तो एक प्रक्षण और जोड़ दिया, अब टोटल आपके प्रक्षण हो चुके 15 और नया माध्य बन चुका है 12, तो 15×12 तो नया टोटल बन चुका है आपके पास में 180, क्लियर है। इसको आप मल्टीप्लाइड करोगे 14×14 और 14×5 1, 14×1 15, 154, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, आपके पास में नई संख्या निकल के आ जाएगी, यानी जो नई संख्या आपने जोड़ी थी वो आ जाएगी 26। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका आप कैसे करोगे, आपका जो पहला एवरेज है वो रख लीजिएगा 11, उसमें आपको ऐड करना है, कितना ऐड करना है देखिएगा, 14 प्रक्षण तो पहले से हैं, आप एक प्रक्षण और ऐड कर रहे हो, तो अब प्रक्षण हो चुके 15, सबके अंदर एक एक, पहले एवरेज 11 था, अब एवरेज हो चुका है 12, यानी एक का इंक्रीमेंट हो चुका है, क्लियर है। तो 15 में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, और 11 और 15 को ऐड करोगे आपके पास में 26 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, पहले पुराना एवरेज ले लीजिएगा, पुराना एवरेज हो गया प्लस एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो ले लीजिएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा टोटल से। पुराना एवरेज ले लीजिएगा, पुराना एवरेज हो गया प्लस एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है
11 से 12 हो गया, तो एवरेज में एक का इंक्रीमेंट हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितने प्रक्षण हैं, टोटल आपके 15 हो चुके हैं, 14 पहले से थे, एक और आ गया, 15 हो गए, तो 11 प्लस 15 यानी इस तरीके से भी आपको निकाल सकते हो, 26 है जो नई संख्या है वो हो जाएगी आपकी 26। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका खतन और निष्कर्ष से संबंधित है। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, गर्म में और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, नहीं गलत है, गर्म में और आर्द्र में दोनों में सहज महसूस कैसे करोगे आप? ठीक है, आर्द्र यानी जिसमें नमी रहेगी, नमी रहेगी तो ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन रहेगा, गर्मी रहेगी पसीना आएगा, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है, जहाँ पर नमी रहेगी वायु के अंदर वहाँ पर पसीना आपका सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यहाँ पर दोनों के दोनों आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, इनको व्यवस्थित करना है और असंगत को अपने को पहचानना है। तो ये तो बन जाएगा आपका आंट AUNT, ये बन जाएगा आपका NIECE, ये बन जाएगा आपका मदर MOTHER, और ये बन जाएगा आपका ब्रदर। तो आप इन सब में देखोगे, एक आपका पुल्लिंग है, बाकी के बाकी आपके स्त्रीलिंग है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब बात करें, सबसे पहले साहित्य का नोबेल प्राइज इंडिया के अंदर किसे मिला था? 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिएगा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? साहित्य का सबसे बड़ा होता है आपका नोबेल होता है, नोबेल के बाद में आपका दूसरे नंबर पे होता है मान बुकर प्राइज होता है एक, और मान बुकर प्राइज़ के बाद में इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा होता है? इंडिया का सबसे बड़ा होता है ज्ञानपीठ, इंडिया का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, ATM है इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए ऑप्शन में से ATM की फुल फॉर्म अपने को यहाँ पे बतानी है, तो इसका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्पेलिंग ध्यान दे लीजिएगा, टेलर TELLER है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएंगे टी क्या है, ऑप्शन में आपको दे देंगे TAILOR या TELLER, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पे, बीच वाला जो टी है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन में से इसके फैक्टर बताने हैं, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन के घटक क्या बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। सपोज कीजिएगा इसका पहला है ऑप्शन है वो इसका एक फैक्टर है, फैक्टर का मतलब इसमें यदि x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे या x बराबर 1 रखोगे तो पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जानी चाहिए। तो 1 रख के देखिएगा क्या पूरी इक्वेशन 0 बन रही है क्या? अगर मैं यहाँ पे 1 की पावर 6 करता हूँ तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 5 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये प्लस 1, ये माइनस 4, क्या इनका सम करने पे मेरे पास में 0 आता है क्या? 1 से 1 कैंसिल हो गया और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इसका रिजल्टेंट माइनस 5 आया है, यानी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो इसका ये फैक्टर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अपन x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, या कहे तो x की वैल्यू में माइनस 1 रखूँगा, तो x की वैल्यू इसमें माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 1 की पावर 6 करूँगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ओके, माइनस का चिन्ह है, माइनस 1 की पावर, देखिए माइनस 1 की पावर 6 है यानी इवन पावर होगी तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस 1 के ऊपर मैं 6 पावर लगाऊंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस 1 के ऊपर मैं 4 पावर लगाऊंगा तो ये भी मेरा प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये साइन माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस 1 के ऊपर 5 पावर लगाऊंगा तो ये मेरा माइनस 1 ही रहने वाला है। माइनस का साइन है, माइनस 1 के ऊपर मैं 4 पावर लगाऊंगा तो मेरा प्लस 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से प्लस, माइनस 1 के ऊपर मैं 2 पावर लगाऊंगा तो ये मेरा प्लस 1 मिल जाएगा, माइनस 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4, इसको सोल्व करते हैं क्या 0 आता है क्या? 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो माइनस 3 आ रहा है, यानी इस बार भी 0 नहीं आ रहा, यानी x माइनस 1 भी फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ना ही तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है और ना ही x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर
इसको मैं एक संख्या x से विभाजित करता हूँ तो भागफल मेरा 83 आता है, भागफल 83 आता है और शेष पर मेरे पास में 3 बचता है। भाजक क्या होगा? ये है, ये तो कहलाता है आपका भाजक, आपको पता है यहाँ पे तो होता है भाजक, ये जो बीच में आता है ये होता है आपका भाज्य, यहाँ पे होता है आपका भागफल और नीचे आपका शेषफल होता है। क्लियर है? इसमें जो इक्वेशन बनती है वो बनती है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? भाज्य है मेरा 14528, 14528 इक्वल टू भाजक, भाजक मेरा अक्ष है, इसको मैं भाज्य से भागफल से गुणा करूँगा यानी 83 से गुणा करूँगा प्लस मेरा शेषफल 3 आ रहा है। इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो 83 अक्ष इक्वल टू बन जाएगा 14525 और अक्ष इक्वल टू बन जाएगा 14525 अपॉन में 83। इसमें मैं भाग दूंगा, मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, जो भी है भाग दे लीजिएगा, जो भी डिजिट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2000 रुपये का 4% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती किया जाता है यानी CIA कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिएगा। कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया है, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, इनकी PDF वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप गूगल करोगे तो आपको सर्च कीजिएगा, रेलवे NTPC के प्रीवियस ईयर पेपर्स, रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा डाटा। ओके, अब देखिएगा इसमें आपसे तीसरे वर्ष का पूछा गया है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट हो गया मेरा 2000 रुपये। अब यहाँ पे तीन वर्ष है तो तीन वर्ष के मैं तीन लाइनें खींच लेता हूँ, तीन लाइनें मैंने खींच ली है। क्लियर है? अब इसमें देखिएगा 40% है, 40% का मतलब हो गया 40/100, 40/100 का मतलब 4/10, 4/10 का मतलब 2/5, 40% का मतलब यहाँ पे 2/5। तो पहले मैं इसको 2/5 निकाल लेता हूँ, तो ये तो मेरा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये मेरा सेकंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर। तो इस 2000 के मैं 2/5 करता हूँ तो क्या बनेगा मेरा, ये सिंपल सा, मैं 4/10 रख लेता हूँ तो ईजी रहेगा मेरा, 2/5 की बजाय मैं 4/10 रख देता हूँ ताकि मेरा जीरो कट जाए, है ना। तो मैं इसको 2/5 की जगह मैं 4/10 रख लेता हूँ ताकि मेरा जीरो कैंसिल हो जाएगा और इजीली मेरी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2000 का मैं 4/10 निकालूंगा तो मेरे पास में 800 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं 800 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 800 लिख देता हूँ। अब इसका फिर से मैं 4/10 निकालूंगा, इसका फिर से मैं 4/10, तो देखिएगा ये जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 320। तो इस 800 का ब्याज हो गया 320। अब यहाँ पे ये 800 है, इस 800 का ब्याज 320 हो गया, ये 800 है इसका ब्याज 320 हो जाएगा, ये जो 320 है इसका मैं 4/10 करूँगा, तो 320 का मैं 4/10 करूँगा तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, ये बनेगा। तो ये है मेरा तीसरे वर्ष का ब्याज, और तीसरे वर्ष का ब्याज का आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 0 0 और लास्ट में 8 आ रहा है, यानी जो भी आपका आंसर होगा उसका आपके लास्ट में 8 आने वाला है और 8 ओनली इसी में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। तो यहाँ पे अपने को सब कुछ ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? समझ में नहीं आता तो कोई भी क्वेश्चन को आप दोबारा से देखने की कोशिश कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर लोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। कौन सा अनुपात आपका सबसे बड़ा है? टेलीग्राम पर भी कोशिश करेंगे विष्णु जी डालने की। ओके, तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी मैं छोड़ देता हूँ, जो जो सिंपल ईजी है। एक ये है जिज्ञासा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहा है, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका है, जब विजय 12 पेन बेचता है, कितने पेन बेच रहे हैं? 12 पेन बेच रहे हैं, तो उसे 2 पेन के विक्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे लाभ परसेंटेज पूछा गया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 12 पेन को बेच रहा है, यानी 12 पेन का तो विक्रम मूल्य और 12 ही पेन का क्रम मूल्य, इसका मैं डिफरेंस करूँ, 12 पेन को बेच रहे हैं यानी 12 SP माइनस 12 CP, क्योंकि 12 को ही मैं बेच रहा हूँ और 12 को ही मैं क्रम मूल्य घटा रहा हूँ
तो मेरे पास में कितना विक्रम मूल्य प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास में दो पेन के विक्रम मूल्य यानी 2 SP। क्यों होता है? क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लिया जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ है हमेशा विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे विक्रम मूल्य कितना हुआ, विक्रम मूल्य हो गया 12 पेन का विक्रम मूल्य 12 SP, क्रम मूल्य 12 पेन का क्रम मूल्य 12 CP हो गया, और लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है उसको 2 पेन के विक्रम मूल्य के बराबर, तो 2 SP यहाँ पे अपन ने लिख दिया है। बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 10 SP इक्वल टू 12 CP, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिएगा SP अपॉन CP आपका बनने वाला है 12/10, क्लियर है? तो आपका परसेंटेज में निकाल लीजिएगा, नीचे तो आपको क्रम मूल्य लेना है, क्रम मूल्य आपका यहाँ पे 10 हो चुका है, ऊपर आपको डिफरेंस लेना है, तो 12 और 10 का डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, 20%। यदि विक्रम मूल्य 12 है, क्रम मूल्य 10 है, तो आप निकाल लीजिएगा, ऊपर तो दोनों का डिफरेंस है, नीचे आपको क्रम मूल्य मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोशिश करने की सोलो कीजिएगा। मैंने भी यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई लॉजिक मेरे पास में निकल के नहीं आया इसका। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या रहा है, एक तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, और इसका लॉजिक है वो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है? मैंने भी कोशिश की थी बट दिमाग में नहीं आ रहा। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, और कमेंट करके बताइएगा किसी को लॉजिक आइडेंटिफाइड होता है तो इसका लॉजिक क्या आ रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? आपका ये जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, और मौर्य सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, किसको समर्पित है ये, बुद्ध को समर्पित है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तारे की बात करें या जो सूर्य की अपन बात करें, तो इनके अंदर नाभिकीय सलयाना विक्रिया होती है, बोले तो छोटे छोटे अणु मिलके बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करेंगे, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, तारे मुख्यतः बने हुए होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। इसको छोड़ देते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक, चाहे चौक बोल दीजिएगा, मार्बल बोल दीजिएगा, चूना बोल दीजिएगा, चौक मार्बल, इनका जो रासायनिक सूत्र है वह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऑप्शन नंबर सी CaCO3 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट किसको बोलते हैं? CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम भी अपन इसको बोल सकते हैं। चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3, CaO सिंपल सा CaO, एक कैल्शियम ऑक्साइड अपन बोलते हैं अनबुजा चूने को। अगला क्वेश्चन आपका है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक बीमारी है, बीमारी का पूछा गया है, ये बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जिगर को। जिगर को अपन बोल सकते हैं लीवर, लीवर को ही जिगर बोला जाता है, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, लीवर या जिगर को। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है जयवर्धने पूरे कोटे, और इसकी जो पहली राजधानी थी उसका नाम था अनुराधापुरा। ऑप्शन नंबर सी अनुराधापुरा, वर्तमान इसकी है श्री जयवर्धने पूरे कोटे। ये देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। अच्छा, इसको रेलवे ने भी हटा दिया गया। तो इसको देखिएगा कैसे करोगे आप लोग, इसको रेलवे ने हटा दिया, फिर अपन इसका देखें। तो देखिएगा, इसको आप कर सकते हो sin²a + cos²a का होल क्यूब करोगे, तब आपका ये रिलेशन आइडेंटिफाइड हो जाएगा, a³ + b³ वाला रिलेशन लगेगा। a³ + b³ बराबर क्या होता है, नहीं, a + b का होल क्यूब इक्वल टू हो जाता है a³ + b³ + 3ab × a + b। अब इसमें देखोगे a+b की जगह आप ये रखोगे, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा आपका, पावर 3 बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका sin 6a + cos 6a + 3 × ab। ab की जगह बन जाएगा आपका sin²a × cos²a × a+b, यानी sin²a + cos²a, तो ये बन जाएगा आपका 1।
तो इस तरीके से इसका जो रिलेशन निकल के आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा मेरा एक का होल क्यूब, यानी सिंपल सा एक बनने वाला है। और इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा मेरा इसके बराबर बन जाएगा, ये वन तो इधर आ जाएगा इसके बगल में, और ये संख्या मेरी माइनस में तीन है उधर चली जाएगी, माइनस का तीन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और ये मेरा ऑप्शन में ही नहीं था इसलिए रेलवे ने इसको हटा दिया। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अपन इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं किया इसको देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको कुछ नहीं किया हुआ है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो फैक्टर्स था इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब लगाओगे तो वापस ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ए बी इंटू ए प्लस बी। बस यहाँ पे ए की जगह ये रख देना और बी की जगह ये रख देना, पूरी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, राल्फ एच बेयर को। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, राल्फ एच बेयर को कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। पानी की पत्तियों से या पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, परसिप्शन या ई वेपोरेशन। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ट्रांसपायरेशन ये कहलाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपायरेशन आपका कहलाएगा। आंसर देने के लिए टाइम देंगे, अपना वीडियो दो घंटे का हो जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टारगेट यही है कम से कम समय के अंदर अपन पेपर फिनिश करें। ठीक है, ऐसे अपन 100 क्वेश्चंस को दो घंटे तक खींचते चलेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, बस आपको पता चल जाना चाहिए भाई आंसर ये आ रहा है, और क्वेश्चंस का मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक देख लीजिएगा, तरीका देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसमें ओनली साइन चेंज करके आपको आइडेंटिफाइड करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अल्फा दर्शाता है ग्रेटर को, ये जो अल्फा है इसकी जगह आप लिख दीजिएगा ग्रेटर, ये हो जाएगा मेरा बी ग्रेटर देन सी। इसी प्रकार से डेल्टा क्या दे रखा है, डेल्टा दर्शाता है यहाँ पे, डेल्टा दर्शाता है से छोटा नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, छोटा नहीं है यानी छोटा नहीं है तो डेल्टा का मतलब ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, तो 3c ग्रेटर देन इक्वल ये मेरा रिलेशन बन रहा है। तो 3c ग्रेटर देन इक्वल 2a और एक बन जाएगा मेरा b ग्रेटर देन c। अब इनसे ऑप्शन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपका बड़ा बन रहा है। यहाँ पे म्यू की भी बात हो रही है, म्यू का भी कुछ दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होगा, म्यू का भी दर्शाता है बीटा इसको दर्शाता है, गामा इसको दर्शाता है, और म्यू किसको दर्शाता है, म्यू दर्शाता है इक्वल को, म्यू दर्शाता है इक्वल को। अब जैसे कि ये ऑप्शन आ रहे हैं तो 3b अल्फा की जगह आपने लिख दिया, अल्फा की जगह ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2a, क्या इन दोनों रिलेशन से क्या यह सही जा रहा है आपका, क्या b की वैल्यू ऐसे बड़ी आ रही है। देखिएगा b यहाँ पे आपका c से बड़ा है, b आपका c से बड़ा है और c आपका a से बड़ा है, b आपका c से बड़ा है c आपका a से बड़ा है तो b ऑटोमेटिकली a से बड़ा हो जाएगा। ओके, b आपका c से बड़ा है, b आपका c से बड़ा है और ये c आपका बड़ा इस तरीके से हो जाएगा, मैं ओनली c करूँगा तो इसको c ग्रेटर देन इक्वल 2/3a कर देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 2/3a। अब देखिएगा तो अगर मेरा b c से बड़ा है और c a से बड़ा है तो b ऑटोमेटिकली मेरा a से बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। ओके, टेलीग्राम के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी आपको। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको भी स्किप कर देता हूँ, इसमें आप लॉजिक आइडेंटिफाइड करोगे, बहुत ही इजी लॉजिक है, +1 -1 +2 इस तरीके का डिफरेंस है। सील मछली द्वारा की गई आवाज को क्या कहते हैं, देखिएगा चाहे सील मछली हो तो यहां पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ, बार्क की आवाज निकलती है, एक बार्क की आवाज और निकलती है, किसके द्वारा तो निकलती है, एक जानवर है ऊंट के द्वारा निकलती है शायद बार्क की आवाज, एक ऊंट के द्वारा भी और इसके द्वारा भी, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के द्वारा बार्क की आवाज़ निकलती है सील मछली के द्वारा। मछलियाँ श्वसन करती है किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। खतन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है,
केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि के लिए तो उपयोगी होता है केंचुआ, किसान मित्र कहलाता है, पहला गलत हो गया। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं, बिल्कुल सही है, यानी पहला गलत हो गया, दूसरा सही है आपका, यानी एक गलत है और आर सही है। केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी होता है, केंचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देता है और नरम बनाता है, तो यानी ये गलत है और ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। यदि अक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5, 8 बचता है तो अक्ष का 150% ज्ञात कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे, 6 का भाग देता हूँ तो 2 शेष बचता है, 6 का भाग दिया तो 2 शेष बचा, 6 - 2 यानी 4, 7 का भाग दिया तो 3 शेष बचा, 7 - 3 यानी 4, 8 का भाग दिया तो 4 शेष बचा, 8 - 4 यानी 4, इसी प्रकार से 9 में से 5 गए 4 और 12 में से 8 गए 4, कुल मिला के डिफरेंस यहाँ पे मेरे पास में 4 आ रहा है, यानी कुल मिला के 4 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, पहले तो वह छोटी संख्या बता दीजिएगा, छोटी संख्या क्या बनेगी, अक्ष बनेगी, अक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एलसीएम किसका, एलसीएम लेना है आपको 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम, फिर उसमें से आपको 4 घटा देना है क्योंकि 4 शेष बच रहा है, ओके 4 माइनस होता तो यानी उसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता। आई थिंक ये निकालोगे, इस क्वेश्चन से निकालोगे, पहले तो 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसमें से आप 4 घटा दीजिएगा तब आपके पास में अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी अक्ष की वैल्यू आई उसका 150% कर दीजिएगा, अक्ष इंटू 150 बटे 100, इजीली कर लोगे, मेथड समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, उसमें से आपको 4 को घटा देना है तब तो आपके पास में संख्या आ जाएगी, उस संख्या का फिर आपको 150% कर देना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में, पूरक कोण की बात होगी तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, पूरक का मतलब इनका सम होता है 90 डिग्री। अब देखिएगा, एक एंगल आपका 2 अक्ष है, एक एंगल आपका 3 अक्ष है, इनका मैं सम करूं तो 5 अक्ष हो गया, 5 अक्ष का मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो अक्ष की वैल्यू मेरे पास में 18 डिग्री आ गया। तो एक एंगल तो बन जाएगा मेरा, कैलकुलेशन मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा देखिएगा, यदि सिंपल सा आपको रेशियो दे रखा है तो यानी एक एंगल आप 2 मान लीजिएगा, दूसरा एंगल आप 3 मान लीजिएगा, छोटे कोण के वर्ग का छोटा कोण 2 है तो इसका वर्ग बनेगा मेरा 4, बड़े कोण के वर्ग से अनुपात तो बड़ा कोण 3 है तो इसका बन जाएगा 9, सिंपल सा अपन इसको इस तरीके से भी कर देंगे। या पहला एंगल आप 2 अक्ष ले रहे हो, दूसरा एंगल आपका 3 अक्ष हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करोगे 4 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालोगे, अक्ष स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/9 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चाहे पूरक हो संपूरक हो उसके लिए आपका आंसर यही आने वाला है। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो फेसबुक की शुरुआत होती है 2004 के अंदर, मार्क जकरबर्ग इसके CEO हैं, संस्थापक थे फेसबुक के। फेसबुक एक प्रकार की सोशल साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देखिए ऑप्शन में से उष्मा का बुरा कुचालक, बैड कंडक्टर को अपन हिंदी में बोल देंगे बुरा चालक, या अपन इसको बोल देंगे कुचालक, कौन सा बनेगा कुचालक हीट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है लकड़ी, डायमंड, पानी और माइका, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हीट का पूछा गया है कुचालक, उष्मा का कुचालक क्या है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे लकड़ी। देखिए ऑप्शन में से कौन सा एक दूसरे से डिफरेंट है, कॉफी, चावल, तंबाकू और गन्ना, कॉफी होगी, चावल होगी, तंबाकू और गन्ना, कुछ आपकी नकदी फसल है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से आपका डिफरेंट क्या बनेगा, कॉफी, तंबाकू और गन्ना, तो इनसे आपका जो डिफरेंट बन जाएगी चावल, ऑप्शन नंबर बी चावल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, आई थिंक याद हो गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन आपको दे रखा है, मानक विचलन आपके पास में 7 है, आपको वेरिएंस निकालना है,
वेरिएंस बोले तो आपको प्रसरण निकालना है, प्रसरण निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देना है और मॉड्यूलस लेना है स्वाद का स्क्वायर गुणनचास, आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। दो बस है उनकी गति आपको दे रखी है 11:9, बस ए और बी मान लेते हैं, उनकी चाल दे रखी है मेरे को 11:9। दूसरी बस यानी जो बी है वो 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो बी की चाल निकलूं मैं, बी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, दूरी यहाँ पे है 270 और बी समय ले रहा है 15, तो ये हो जाएगा 15 × 15 = 12, 15 × 8 = 120, 18 आ जाएगा। तो पहली बस की गति क्या होगी, यानी यहाँ पे बी की गति है 9 और यहाँ पे बी की मेरे पास में आ गई 18, तो 9 की वैल्यू 18 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की तो हो जाएगी 22 और बी की हो जाएगी मेरे पास में 18। ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी मेरे पास में ऑप्शन नंबर डी के साथ में 22। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है? न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है, क्या अपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सरकार का समर्थन करती है क्या? अभी के राज्य की तो छोड़ो, बाकी प्रैक्टिकली सोचो संविधान में क्या लिखा है। वर्तमान तो न्यायपालिका समर्थन कर रही है लेकिन एक्चुअल में समर्थन नहीं करेगी और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है, तो न्यायपालिका सरकार का समर्थन कभी नहीं करती। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, कौन सा सही है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। टेलीग्राम पे मैं सेंड करूँगा विष्णु जी, तब मिलेगी आपको, टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा तब मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला तो सही है और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। भारत का जो सिस्टम है चार भागों में है, न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, एक संवैधानिक हो गया और एक आपकी संवैधानिक न्याय कार्यपालिका, चौथी आपकी प्रेस हो गई। चार भागों में डिवाइड है, न्यायपालिका कार्यपालिका प्रेस स्वतंत्रता। ओके, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो, स्पर्धा बोले तो कंपटीशन, कंपटीशन की कमी हो उसको बोलते हैं अपन एकाधिकार। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, मोनोपोली एकाधिकार। 50 रुपये का 6 महीने में, देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मैं वेट कर लेता हूँ कौन इसका फटाफट आंसर देगा, आंसर दे दीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या बनने वाला है? बहुत ही सिंपल सा है, 10 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपये का ब्याज बन रहा है 10 पैसे, ठीक है। तो 50 रुपये, पहले तो 10 पैसे को मैं रुपए में कन्वर्ट कर लूँ, 10/100 यानी 1/10 रुपये, 1 रुपये का ब्याज बन रहा है मेरे पास में 1/10 रुपये, तो 50 रुपये का ब्याज कितना बन जाएगा, 50 रुपये का ब्याज बन जाएगा 1/10 × 50 यानी 5 रुपये। अब ये कितने दिन का है, ये प्रत्येक महीने यानी ये 1 महीने का है, 1 महीने का ब्याज है, 1 महीने का ब्याज है 5 रुपये, क्वेश्चन में पूछा गया 6 महीने का, 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 5 × 6 यानी 30 रुपये, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में 30 रुपये, बिल्कुल वेरी गुड, 30 आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस इसको देख लीजिएगा, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल दी लायन को मार डाला था, सेसिल दी लायन को मार डाला था, इसका आंसर है वाल्टर पामर, वाल्टर पामर एक दंत चिकित्सक थे, वाल्टर पामर क्या थे, दंत चिकित्सक थे, उसने 2015 में सेसिल दी लायन इसको मार डाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बंटन का माध्य, देखिएगा ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं, याद हो चुका होगा फॉर्मूला, बंटन का माध्य दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है, विचरण गुणांक याद करना है, विचरण गुणांक यानी वेरिएंस मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका मानक विचलन, मानक विचलन बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन में होता है आपका माध्य, माध्य बोले तो एवरेज होता है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100 होता है।
अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, मानक विचलन इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ। त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात याद कीजिएगा। तो सिंपल सा सीधा ये ले लीजिएगा, 7/2 ही आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अनुपात के केस में आपका वही आंसर जाने वाला है, अनुपात के केस में आपका वही आंसर आने वाला है। तो सबसे बड़ा कोण इसमें 7 ही रहने वाला है और इसमें सबसे छोटे कोण का 2, तो 7/2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर है। चाहे यहाँ पे त्रिभुज हो, आयत हो, वृग हो, कुछ भी हो, यदि रेशियो आपको दे रहा है, रेशियो ही आपसे पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट वही ले लीजिएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, रेशियो देखिए, रेशियो ही पूछ रहा है तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाइड होगी वो संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं, 36 में 5 महिलाएं एक काम को 36 डेज में कर सकती हैं, तो कार्य कितना हो चुका, कार्य हो गया 5 × 36। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने लगेंगे। अब देखिएगा, महिला, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है 3:1। ठीक है, 3:1, यानी एज कंपेयर टू अपन कह देंगे तो एक वुमेन है वो 3 मैन के बराबर है, नहीं नहीं उल्टा हो गया ना, एफिशिएंसी दे रखी है आपको, इसका मतलब हो गया एक मैन आपका 3 वुमेन के बराबर है, एक मैन 3 वुमेन के बराबर है। मैन और वुमेन की दक्षता दे रखी है 3:1, यानी एक मैन आपका 3 वुमेन के बराबर है, तो 5 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, 5 आदमी आपकी 15 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यदि 5 इतने में करती है तो 15 कितने में करेगी, बारह दिन में ख़त्म कर देगी, ऑप्शन नंबर है। इसका कन्वर्जन कर लीजिएगा, सबसे पहले आंसर देख लेते हैं एक बार, 12 आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखिएगा कुल कार्य कितना हो जाएगा, या आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, मैन वर्क डे वाले से m1 d1 upon में w1 equal to m2 d2 upon में w2, इस तरीके से भी कर सकते हो। m1 की जगह 5 कर दीजिएगा, d1 की जगह 36 कर दीजिएगा, कार्य आपका 1 है, इक्वल टू m2 की जगह आप क्या करोगे, m2 यानी यहाँ से निकाल लीजिएगा, मैन अपर वुमेन इक्वल टू 3:1 है, तो यहाँ पे मैन इक्वल टू हो जाएगा 3 वुमेन। ओके, तो यहाँ पे 5 आदमी, 5 मैन इक्वल टू हो जाएगा एक मैन की 3 वुमेन, तो 5 मैन के 15 वुमेन बन जाएगी। तो यहाँ पे m2 की जगह 15 वुमेन लग दीजिएगा, d2 आपको ज्ञात करना है, कार्य वही है आपका, तो 5 का भाग इसमें गया 3 बार, 3 का भाग इसमें फिर से चला गया 12 बार, ऑप्शन नंबर ए। कथन और निष्कर्ष दे रखे, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं सभी माँ आंटी है, जितने भी माँ है सभी की सभी आंटी है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन गया। ओके, सभी आंटी महिलाएं हैं, तो सभी आंटी महिलाएं हैं, इस तरीके से डायग्राम बन चुका। पहला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहला कह रहा है कि सभी महिलाएं माँ है, तो क्या सभी महिलाएं माँ है क्या, ओनली ये जो महिलाएं का पोर्शन आ रहा है कॉमन यही है, तो सभी तो नहीं है, इसमें कुछ होता तो अपन कह देते, तो सभी तो नहीं है, सभी महिलाएं माँ नहीं है, ओनली कुछ ही है। सभी महिलाएं आंटी है, सभी की सभी आंटी है क्या, नहीं ओनली कुछ ही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विच व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे बैटरी के द्वारा। बैटरी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में करती है, ट्रांसफॉर्मर कोई रूपांतरण नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर ओनली ट्रांसफर का काम करता है, ट्रांसफर का काम करता है ओनली। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर आपका इलेक्ट्रिक को यानी मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर आपका विद्युत को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक होता है आपका आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि थोड़ा आपके समझ में भी आए या नहीं आए, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं है।
अपन ने इतने पेपर सॉल्व किए हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, ओके। और कुछ हटके क्वेश्चन आए चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें आपको देखना है क्या दिया हुआ है। निम्नांकित सारणी द्वारा 6 डिपार्टमेंटल स्टोर की बिक्री में 2010 से 2012 के बीच प्रतिशत बदलाव को दिखाया गया है। ये प्रतिशत बदलाव आपको दिखाया गया है, ये 10 से 11 का प्रतिशत बदलाव है, 2011 से 12 का प्रतिशत बदलाव है, यानी आपका जो भी डाटा है वो क्या है, प्रतिशत बदलाव में है, क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहा गया है, पहला क्वेश्चन है देखिएगा, 2011 में स्टोर टी की कुल बिक्री राशि 2012 की कुल बिक्री राशि का कितना प्रतिशत है। 2011 में स्टोर टी की कुल बिक्री राशि, सपोज कीजिएगा 2010 है, ये जो स्टोर टी है, स्टोर टी की बात हो रही है, स्टोर टी 2010 में स्टोर टी की बिक्री है 100, क्लियर है। तो 2011 में स्टोर टी की बिक्री कितनी होगी, 117, 100 इंटू 117 बटे 100 कर दूं मैं, क्योंकि ये परसेंटेज में ही तो है, प्लस है ना, तो प्लस को मैंने कर दिया 117, ये तो हो गया 2011। 2012 में कितनी हो जाएगी, 2012 में हो जाएगी -8, यानी 2011 में जो भी राशि थी, 2011 में ये थी मेरी 100 इंटू 117 बटे 100, इसकी हो जाएगी -8 का मतलब 92 बटे 100। ये तो देखिएगा डाटा मैंने निकाल लिया है, क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2011 में स्टोर टी की कुल बिक्री, यानी 2011 को वाला डाटा ऊपर लेना है, नीचे आपको 2012 का डाटा लेना है, मल्टीप्लाइड बाई आपको 100 करना है, इससे आपका आंसर निकल के आएगा। 2011 का हो जाएगा 100 इंटू 117 बटे 100 अपॉन में 2000, ये हो जाएगा 100 इंटू 117 बटे 100 मल्टीप्लाइड बाई 92 बटे 100 इंटू परसेंटेज 100, कटता काट दीजिएगा, ये 117 बटे 100 कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट, ओके। तो ये मेरा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन में 92, क्लियर है। 4 का भाग दे देते हैं, 4 का भाग इसमें 13 बार, 4 का भाग इसमें 25 बार, 2500 बट्टे में 13, तो अप्रोक्सीमेट 13 एकम 13 बच गए 12, सही जा रहे हैं ना, 2500 बटे 92, 1352 होता है, 92 कैसे हो गया, 4 का भाग गया इसमें 4 दुनी 8, 4 की 12 23, 4 92 23 का भाग देना है इसमें, 23 का भाग देंगे, 23 का भाग देंगे तो 25 में गया एक बार, बच के 2, 20 में जाएगा नहीं, फिर बच गया जाएगा नहीं 200, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आपका इतना आ जाएगा, 108 109 के समथिंग आ जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कुछ हटके क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और एक सेविंग कर लीजिएगा, शायद ऐसा क्वेश्चन बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, एक बार मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको एक बार क्वेश्चन दिख जाए पूरा, ओके। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो चाहो तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, कॉपी के अंदर क्या लिख सकते हो साइड में, ये पेपर आपका 18 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर है और अपन ने सोल्व किया है इसको सेट नंबर 9 के अंदर, सेट नंबर 19 के अंदर अपन ने सोल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 से लेके है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के अंदर लिख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या है, ये कह रहा है कि 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी। तो 2012 के में तो यहाँ पे आपको पिछले को पहले ध्यान देना, बिक्री सर्वाधिक थी तो यहाँ पे माइनस वाले को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि यहाँ तो कमी हो रही है, ये तो कमी का हो गया, कमी वाला तो मेरे को डाटा लेना नहीं है, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी, तो यहाँ पे तो कमी हो रही है, पिछले साल के कंपैरिजन में कमी हो रही है, ठीक है। तो यानी माइनस वाले को तो मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे वर्ती देखिएगा, ये माइनस 20 से प्लस 9 आ गया तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया प्लस 29 का, क्योंकि ये माइनस 20 यानी खड्डे में था पहले तो, पहले तो नेगेटिव थी
और उसके बाद में पॉजिटिव में आया तो माइनस 20 और प्लस 9 यानी कि आपका 29 का इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि पहले 20 की भरपाई तो की है। इसके अंदर 12 और 5 यानी 17 का, उसके अंदर आपका 21 से 9 में, तो इसमें भी आपकी डाउन आई है, इसमें भी आपकी डाउन आई है। इसमें 5 से 12 यानी इसमें ओनली 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी डाउन हो गई, 21 से 9 में आ गया, डाउन हो गई। तो ओनली इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, क्यू के अंदर हो रहा है। तो आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हो रहा है, वो क्या है ये देखिएगा। दो हजार दस में स्टोर पी की कुल बिक्री राशि 80 लाख थी, इसी स्टोर में 2012 में कितनी होगी। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सही है, आपको पी स्टोर की बात हो रही है, 2010 के अंदर इसकी बिक्री थी 80 लाख रुपए। क्वेश्चन में आपको पी ही स्टोर की 2012 की पूछी गई है। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। पहले तो इसका पी स्टोर देख लीजिएगा, ये रहा पी स्टोर ये रहा। तो 2011 में कितना हो जाएगा, 2011 में उसकी बिक्री हो जाएगी, 2010 में 80 लाख थी, उसका मैं 120 कर देता हूँ, 120/100। उसके बाद में 20 नेगेटिव हो गई, तो 20 नेगेटिव यानी 2012 में 80/100 कर देता हूँ। अब जो कटापिटी करूँगा मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ तक भी जितने भी बुक्स हैं। आगे क्वेश्चन इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा क्वेश्चन। आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लॉजिक आइडेंटिफाइड करोगे, ये भी हो जाएगा। सिंपल सा कोड दिया हुआ है इसमें, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, एक थोक विक्रेता है एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। सपोज कीजिएगा उसका क्रम मूल्य उसका 100 रुपये है, तो वो 40% हानि की पे बेच रहे हैं, तो उसका विक्रय मूल्य हो चुका है 60 रुपये। क्लियर है, 40% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। यदि विक्रय मूल्य 125 रुपये की वृद्धि कर देता है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। दूसरे केस में थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है यानी वो 110 रुपये में बेच रहे हैं। क्लियर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 125 रुपये। पहला जो विक्रय मूल्य है और दूसरा जो विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका 125 रुपये आ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है जल शोधक का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिफरेंस कितना है मेरे पास में। अगर मैं 110 और 60 का डिफरेंस करूँ तो मेरे पास में 50 आता है, क्वेश्चन में 50 आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 25, तो दोनों डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं, 50 = 125। ए की वैल्यू 125/50, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ये डायरेक्ट मैं 100 की निकाल लूँ, ए की वैल्यू ये आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 100, 50 का इसमें गया 2 बार, तो 125 × 2 यानी 250 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 250 आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सीता देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो इसको भी आप रिवीजन के रूप में लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहती है, उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिएगा विषम संख्या अपनी 1 से स्टार्ट होती है, फिर 3 से स्टार्ट होती है, फिर 5 से स्टार्ट होती है, और वो 72 से कम यानी वो 71 तक, इन सबका वो सम निकालती है, एवरेज निकालती है। अब एक तरीका तो आपका ये है कि आप सब डाटा लिख लीजिएगा, सब डाटा लिख के आपको सबको ऐड कर लीजिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से सबका लिखो, सम कर लीजिएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे अपन दो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन पदों की संख्या निकालेंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लेंगे TN = A + N - 1 × D का। अब इसमें मेरे को क्या क्या दे रखा है, टी एन तो ये मेरा एनवा पद है 71, ए यानी पहला पद मेरे को 1 दे रखा है, एन यानी पदों की संख्या मेरे को ज्ञात करनी है, डी यानी डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे मेरे पास में 2 का। अब इसको मैं सोलो करूँगा, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 70 = हो जाएगा N - 1 × 2 यानी 35 = हो जाएगा N - 1 यानी 36 हो जाएगा मेरा एन की वैल्यू। इस तरीके से मैंने इसमें पदों की संख्या निकाली, पदों की संख्या बन चुकी है मेरी 36। अब इसमें मेरे को सम निकालना है, तो दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, सम बराबर होता है n/2
बड़ा कोष्टक ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें एन की संख्या मेरे पास में 36 आ गई इंटू टू इंटू एक ही जगह पहला पद मेरा 1 है प्लस एन माइनस वन, एन है मेरा 36 माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस आ रहा है मेरा दो दो का, इसको सोल्व करते हैं 18 दो प्लस ये हो जाएगा मेरा 35, 35 इंटू दो 70 हो जाएगा, 18 इंटू 72 हो जाएगा, 18 इंटू 72 को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 18 दूनी 36 असल 3, 18 को 7 से कर लेते हैं, 8 साथ ही 56 असल आगे 5, 7 5 12, 126 126 से 3 129 1296 मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके तो इसके अंदर अपने को दो फॉर्मूले यूज लिए, तो दोनों फॉर्मूले आप लोगों को थोड़े ध्यान में रखने हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और एक लिए है अपने सम वाला। वाट डोनेट्स ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स फॉर सेफ एज वन, वाट डिनोट्स ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट फॉर, ये देखिए नेरा क्या है, वाट डिनोट्स ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स फॉर, छोड़ते हैं इसको, इसका आंसर आ रहा है प्रोडक्ट बंडलिंग, सेल एज कंबाइंड प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट है उनकी कंबाइंड प्रोडक्ट को, पता नहीं इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, इसका आंसर आ रहा है प्रोडक्ट बंडलिंग। रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, जो संबंध इतिहास का वही संबंध गणित का संख्याओं से है, जिस प्रकार गणित का संबंध संख्याओं से है, गणित का संबंध संख्याओं से है तो इतिहास का संबंध किससे बनेगा, तो इतिहास का संबंध घटनाओं से बनेगा, लोगों से बनेगा, युद्ध से बनेगा या तारीखों से बनेगा, इतिहास का संबंध तारीख से होगा या घटनाओं से होगा, तो अंश बनेगा यहाँ पे घटनाओं से, ऑप्शन नंबर ए घटनाओं के साथ में। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत, इसकी करंट अफेयर क्वेश्चन है, मनरेगा में कितनी वृद्धि की गई, कितने संख्या बढ़ा दी गई दिनों की संख्या, इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन है। पहले इसका नरेगा नाम था और इसकी शुरुआत होती है 2006 के अंदर, 2006 में शुरुआत होती है और 2008 के अंदर इसका नाम कर दिया जाता है मनरेगा, पहले नरेगा था फिर इसका 2008 में नाम होता है मनरेगा, ध्यान देना इसका 2006 में शुरुआत होती है मनरेगा की। ये देखिएगा ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी और सी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया हुआ था ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस मेरा ये ऐसा कैसा दे रखा है ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, कुल मिला के मेरा हो जाएगा 3 ए बी प्लस बी सी प्लस मेरा सी ए, इन सबको मैं इक्वल ए कर देता हूँ, ए को भी मैं ए कर देता हूँ, बी को भी मैं ए कर देता हूँ, सी को भी मैं ए कर देता हूँ, तो 3 ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो 3 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, विच वुड इज यू टू मेक ए क्रिकेट बैट, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए अपन किसकी लकड़ी काम में लेते हैं, टिक विल्लो विल्लो की छाल, तो आंसर बनेगा पे अगले ऑप्शन है बंबू रोजवुड, तो आंसर बनेगा पे विल्लो, विल्लो का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका कश्मीर में होता है, ऑप्शन नंबर बी विल्लो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, क्रिकेट का बैट बनाने के लिए विल्लो, और विल्लो का सबसे बड़ा प्रोडक्शन आपका है, ये देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक परिवार में छह सदस्य हैं, छह सदस्य हैं परिवार में, एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं, माता पिता और उनके बच्चे हैं, ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे, एक परिवार में छह सदस्य हैं, परिवार में एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं, अर्जुन राजू का पुत्र है, अर्जुन है वो पुत्र है राजू का, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन चुका, अर्जुन राजू का पुत्र है और इलामती अर्जुन की पुत्री है, इलामती अर्जुन की पुत्री है, ये हो गया, इलामती अर्जुन की पुत्री है, दिव्या रानी की पुत्री है,
जो इलामती की माँ है। अब ये जो जो है किसके लिए लगा है? इस पुत्र के लिए लगा है। दिव्या रानी की पुत्री है, यानी रानी की पुत्री है, तो रानी के लिए लगा है आपका। जो किसके लिए लगा है? रानी के लिए लगा है। तो दिव्या रानी की पुत्री है जो इलामती की माँ है, तो इलामती ये है, तो इलामती की माँ यानी यह है, इसके पिता है, पिता की वाइफ हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी रानी, होगी रानी। दिव्या रानी की पुत्री है, ये हो जाएगी यहाँ पे दिव्या, क्लियर है। ये दोनों हो जाएगी बहन है। बानू अर्जुन की माँ है, ये अर्जुन था, ये हो जाएगा बानू। ये मेरा डायग्राम बन चुका, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे 2022 के? तो आंसर बनेगा इसका डरबन, ऑप्शन नंबर बी डरबन। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स डरबन में, और 1930 में इसकी शुरुआत होती है, और सबसे पहले इंडिया के अंदर 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे इज डिजाइंड बाई, तो इंडियन रेलवे का जो पैसेंजर सिस्टम है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? CRIS के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, C2 के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली संपाती होगी? ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, यूनिक क्वेश्चन आया आपका, अल्जेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें यदि आपसे दे रखा है संपाती कंडीशन दे रखा है, कॉन्सिडेंट दे रखा है, इसका मतलब A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2 कंडीशन बनेगी। A1 आपका यहाँ पे 6 है, A2 यहाँ पे आपका 3 है, B1 आपका यहाँ पे 2 है, B2 आपका यहाँ पे y का मल्टीप्लायर 1 है, C1 यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, C2 आपका यहाँ पे C2 की जगह C2 निकालना है। तो कोई भी 2 को ले लीजिएगा, चाहे तो इन 2 से सोल्व कर लीजिएगा, इन 2 का सोल्व करोगे 2/1 इक्वल टू 2/C2, ये कैंसिल आउट हो चुका, C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट या संपत्ति के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है, एक फोन 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यह आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्रम मूल्य मान लेते हैं, क्रम मूल्य अपन इसका 100 कर देते हैं, क्रम मूल्य इसका मैं 100 कर देता हूँ। तो ये 3 बार बेच रहा है इसको, पहले कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, पहले कंडीशन के अंदर वो 5% हानि पर बेच रहा है, यानी पहले कंडीशन में वो इसको 95 रुपये में बेच रहा है, दूसरे कंडीशन में वो 15% लाभ पे बेच रहे हैं, तो ये इसका दूसरा कंडीशन हो गया, इसमें वो 15% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 115 रुपये में बेच रहा है। तीसरा कंडीशन वो 25% लाभ पे बेच रहे हैं, तीसरा कंडीशन 25% लाभ पे, यानी 125 रुपये में बेच रहा है। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है 125 के, ये मेरा क्वेश्चन है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कुल मिला के मेरे को 125 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है, यहाँ पे जो पहला और जो दूसरा विक्रम मूल्य है, पहला विक्रम मूल्य और दूसरा विक्रम मूल्य, इनके बीच का जो डिफरेंस मेरे को 200 रुपये दे रखा है, 200 रुपये अधिक मूल्य, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 200 रुपये, क्लियर है। और एक्चुअल में इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 115 और 95 का डिफरेंस आता है 20 रुपये, तो यहाँ पे तो 20 आ रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है 200 रुपये, डिफरेंस को बराबर कर दिया, तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये, एक की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ पे 125 की वैल्यू निकालनी थी, तो 125 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 1250, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो सबसे पहले भेजा गया था वोडाफोन के ऊपर SMS, ऑप्शन नंबर बी। और भारत की कौन सी है? इंडिया की एयरटेल है, वोडाफोन आपकी साथ ब्रिटेन की होनी चाहिए, ओके। तो वोडाफोन पे सबसे पहले SMS भेजा गया था। देखिए ऑप्शन में समरूपता के आधार पर विकल्पों में दिए गए युग्म ज्ञात कीजिएगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी इसका जो रिलेशन बनता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज वाले सेट के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका थोड़ा सा बहुत आंसर नहीं लग पा रहा था, तो आपको किसी को भी पता चले तो इन दोनों क्वेश्चंस के कमेंट करके जरूर बताएगा। लॉजिक 32 और 13 का जो रिलेशन है वही 47 और 65 का है, और इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक कमेंट करके जरूर बताएगा जिसको भी पता चले। अब देखिएगा इन शब्दों को अपने को अरेंज करना है, ये हो जाएगा मेरा CALF,
ये हो जाएगा मेरा डकलिंग, डी यू सी के एल आई एन जी। ये हो जाएगा मेरा एच एच आई आर ई हायरलिंग, एच आई आर ई हायर हो गया। उसके बाद में एल आई एन जी, एल आई एन जी हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा कब, ठीक है। काप हो गया गाय का बच्चा, डकलिंग हो गया बत्तख का बच्चा, कब किसका होता है, शेर का बच्चे को बोलते हैं ना, या पशु के बच्चे को। हायरलिंग का मतलब हो गया, हायरलिंग का मतलब हो गया हायर, हायर यानी अपन किसी को किराए पे हायर करते हैं, यानी पैसा देकर किसी से अपन काम करते हैं, करवाते हैं। बाड़े का टट्टू जिसको भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका डिफरेंट है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से ही सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिएगा, ओनली डायग्राम बनाऊंगा इसका। एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से 170 में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं। अब देखिए, आप कहोगे 170 तो टोटल ग्राहक है, 170 में से 115 इंडियन एक्सप्रेस हो गए, 110 द हिंदू वाले हो गए, 110 आपके टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हो गए, तो ये तो बंदे ही बहुत ज़्यादा हो गए। 170 तो टोटल ग्राहक है, तो 170 में से 115 इंडियन एक्सप्रेस, 110 द हिंदू, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंपल सा डायग्राम बनाना है। सबसे पहले ये मेरा डायग्राम हो चुका है, इस तरीके से तीन आपको पत्र दे रखे हैं, तो तीनों पत्र का डायग्राम आपका इस तरीके से बनने वाला है। क्लियर है? तीन पत्र कौन से हैं यहाँ पे, पहला आपका इंडियन एक्सप्रेस है, दूसरा आप यहाँ पे द हिंदू है, तीसरा यहाँ पे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये तीन आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर है। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझना, और आगे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ओके स्किप मारूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, पीछे से इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 इतने इतने पढ़ते हैं, और अब इनको मैं अरेंज करूंगा। सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, 70 कैंडिडेट तीनों अखबार पढ़ते हैं। ये जो तीनों का जो कॉमन आ रहा है इसमें मैं 70 लिख देता हूँ। क्लियर है? 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। अब ये लाइन मेरी कैंसिल होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर? आगे यहाँ पे देखिएगा 95 है वो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये हो गया द हिंदू और ये हो गया मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया इनके बीच में कॉमन आना चाहिए 95। ओके, तो ये देखिएगा 70 तो मेरा, देखिएगा यहाँ पे 95 है, 95 कैंडिडेट आपके द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? अब देखिएगा, यानी ये जो 70 भी तो 70 बंदे हैं, ये भी तो तीनों चीज़ पढ़ते हैं, तो द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं, और 95 में से 70 घटाता हूँ, 70 ये हो जाएगा 25 यहाँ पे। क्लियर है? अब ये जो 95 वाला अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे 25 में कर दिया, समझिएगा इस क्वेश्चन को, आगे सोल्व नहीं करवाऊंगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे 95 है, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो ये देखिएगा 70 और 25 मेरा 95 हो गया, तो 95 ये जो है ये गहरा मेरा दोनों में कॉमन आ गया, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में। यहाँ पे देखिएगा 75 कैंडिडेट इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस हो गया और ये मेरा द हिंदू, यानी यहाँ पे मेरा कॉमन आना चाहिए इस पेपर में, इस पेपर में कॉमन आना चाहिए 75 कैंडिडेट, तो 70 तो पहले से आ चुका है और 5 कैंडिडेट और आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? 70 और 75 है, ये दोनों आप देखिएगा द हिंदू भी पढ़ रहे हैं और ये आपके इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में 85 है, तो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में 85 है, तो 70 तो पहले से हो गए, तो ये 15 बचेंगे। इस तरीके से आपको इनका फिलअप करना है। आगे और क्या दे रखे हैं वो देख लीजिएगा, सब डाटा आ गया, अभी नहीं आया। ये कह रहा है कि 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में चलेगा, तो इंडियन एक्सप्रेस में देखिएगा कितने पहले हो चुके हैं, 15 5 20 20 यानी 70, 15 5 20 और 70 यानी 90 तो पहले से हो चुके हैं, और 115 बता रहे हैं, तो 115 में से 90 घटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 25 कैंडिडेट इंडियन एक्सप्रेस वाले हो गए। 110 द हिंदू पढ़ते हैं, ये द हिंदू वाला रेशियो निकलेगा, 25 और 5 30 30 और 70 100 तो भर चुके हैं पहले से, तो बच के 10 कैंडिडेट आपके द हिंदू पढ़ते हैं। 130 आपके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिएगा 25 से 5 30 10 40 110 हो जाएगा, 25 से 5 30 10 40 110 हो जाएगा, तो 130 में से 10 गए, 130 में से 10 गए यानी 20 कैंडिडेट यहाँ पे बच गए।
अब देखिएगा ये पूरा फिलअप कर दिया मैंने, अब इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके तो इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आगे सॉल्व नहीं होएगा, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के आंसर है वो देख लीजिएगा क्या दे रहे हैं। कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस कितने पढ़ते हैं, केवल केवल यानी 25 कैंडिडेट, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 25 केवल इंडियन एक्सप्रेस पूछा गया। ओके तो अब मैं चलूं आगे छोड़ दूं, आगे बढ़ते हैं, इन पे आधारित क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप लोग इजीली दे लोगे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी और तो आई थिंक सब कुछ सही है। ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3.5x इक्वल टू 0.07y है तो y माइनस एक्स अपन y प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। y माइनस एक्स अपन में y प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से मैं y अपन एक्स का रेशियो निकाल लूं, 3.5x इक्वल टू 0.07y है, यहां से मैं x अपन y निकालूं तो x अपन y कितना आ जाएगा मेरा, यह होता जाएगा 0.07 अपॉन में 3.5, इस पॉइंट की वजह से तो ऊपर 110 गया, इस पॉइंट की वजह से नीचे 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का भाग इसमें गया 5 बार यानी 1/50 आ गया, अक्स बट्टे वाई की वैल्यू मेरे पास में 1/50 आ गई। अब यहाँ से मैं अक्स बट्टे वाई करूँगा तो यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लूँ, वाई कॉमन लूँगा तो 1 माइनस अक्स बट्टे वाई, और नीचे से भी मैं वाई कॉमन लूँगा तो 1 प्लस अक्स बट्टे वाई, वाई से वाई मेरा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स बटे वाई की वैल्यू ऊपर मेरी 1/50 है, नीचे मेरी 1+1/50 हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा मेरा 50-1 यानी 49/50 और नीचे हो जाएगा मेरा 51/50, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 49/51 मेरा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पारक के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। पारक है, पारक की भुजाएं 50 मीटर है, वर्गाकार है, समय लगेगा यदि उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय बराबर होता है हमेशा दूरी बटे चाल, दूरी आपकी होगी 50 मीटर है, ये हो जाएगी 50 × 4 यानी 200 मीटर हो जाएगी, क्लियर है, तो दूरी की जगह मैं 200 मीटर लिख देता हूँ, चाल उसकी 18 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, तो 18 को मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, तो 18 kmph है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड में, 5 का भाग इसमें चला गया 40 बार तो आंसर बन जाएगा 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए 40 सेकंड। यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है, ओके तो सुनीता की तो बॉयफ्रेंड की आय आप 100 मान लीजिएगा, तो सुनीता की आय कितनी हो जाएगी, सुनीता की आय हो जाएगी 100 प्लस 400 है ना, 75/4 है तो 75/400 हो जाएगा, तो 25 का इसमें गया 4 बार, 4 × 16 100 प्लस 1/16 हो जाएगी, तो 1600 × 16 हो रही है। उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने परसेंट कम है, लगभग कितने परसेंट कम है आपसे ये पूछा गया है। सौ प्लस 75/4 अपन में 100 होना चाहिए, 400/75/400 ओके ऐसा होगा ये, ओके उसकी 100 मानी तो एक ही आ जाएगी, बॉयफ्रेंड की 100 तो सुनीता की हो जाएगी, फिर से देखते हैं 100 प्लस 75/4 उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है तो पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 475/400 - 100
अगर इसको मैं उस तरीके से लेता हूँ, एक बार मैं परसेंटेज को हटा दूँ, 100 ही मान लेता हूँ, मैं बॉयफ्रेंड की आय में 100 मान लेता हूँ, तो सुनीता की आय मेरी ऑटोमेटिक 100 प्लस 75/4 कर देता हूँ। ओके, 75/4 यानी 100 प्लस 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएगा, प्लस मेरे पास में 3 बच गए, 3 में क्या 7 बार 7 चौक 28 5, यानी 118.75। देखिएगा यहाँ पे मैंने परसेंटेज हटा दिया क्योंकि मैंने बॉयफ्रेंड की आय है 100 मान ली, तो 100 मैंने एवरेज लिया तो मैं परसेंटेज हटा देता हूँ, तो सुनीता की आय हो जाएगी 100 प्लस 75/4, डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो यानी 18.75 आ गई। बॉयफ्रेंड की 100 है तो सुनीता की होगी 118.75, क्लियर है। तो बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना है, तो नीचे तो सुनीता की आय लेनी है, सुनीता की आय मेरी 118.75 हो जाएगी। सुनीता की आय से है तो नीचे मेरे को सुनीता की आय लेनी है। ओके, अपना पेपर चलता है, अभी देखिएगा 4 बजे स्टार्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट अपना 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपन खत्म कर लेते हैं। 83 क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। तो सुनीता की आय से कंपेरिजन करना है तो नीचे सुनीता की आय होगी, ऊपर आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हो जाएगा 18.75 और मल्टीप्लाइड बाई आपको 100। इस कैलकुलेशन को करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 18.75 इंटू 118.75 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। ओके, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपकी 6 आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें से आपकी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो CO2 होगी, आपकी मिथेन हो जाएगी, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, आपकी ओजोन हो जाएगी, उसके बाद में आपकी जलवाष्प हो जाएगी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो होगी, CO2 होगी, तो आपकी टोटल 6 है, तो एक कौन सी बच गई, ऑक्सीजन नहीं होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार को प्रदान करता है, तो आर्टिकल 29 का संबंध है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कल है आपको हो सकता है कि एक वीडियो आएगा स्टैटिक जीके का, उसमें से ही ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक जीके का टॉपिक क्या बनेगा, किसी भी चीज़ के उपनाम से संबंधित, चाहे शहर का उपनाम हो, शहर, नदी, सागर, झील, उनके उपनाम से संबंधित, ये भी आपका उपनाम से संबंधित स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कल जल्दी स्टैटिक जीके का एक ये टॉपिक आने वाला है उपनाम से संबंधित, तो यहाँ पे आंसर बनेगा कोची। अरेबियन सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो आंसर बनेगा कोची को, ऑप्शन नंबर सी कोची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका माता और बच्चा का रिलेशन है, तो बादल का किससे रिलेशन होगा, माता से बच्चे का जन्म होता है तो बादल से क्या होता है, बादल से बारिश होती है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में बारिश। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन भी, जब रेलवे ने छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक होगी। उस किले का नाम बताइएगा, उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वेगनार के सम्मान में किया गया, संगीतकार रिचर्ड वेगनार के सम्मान में, संगीतकार रिचर्ड वेगनार के सम्मान में किस किले का निर्माण किया गया, तो ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में न्यूस मास्टिन केसल, केसल अपना बोलते हैं महल को, केसल यानी महल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। संगीत या म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड। किसे अपनी नोवेल ए किसे अपनी नोवेल नोवेल बोले तो उपन्यास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, ये किसके द्वारा लिखी था ये बता दीजिएगा, जिसपे मान बुकर प्राइज भी मिला हुआ है, उपन्यास है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, तो किसे मिला है, तो आंसर इसका मार्लन जेम्स को, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑथर से संबंधित। मान बुकर प्राइज मिला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, लिखित है मार्लन जेम्स के द्वारा, ये हो जाएगा, इन सबका ऐड करोगे तो 103 बनता है, इसी प्रकार स्कूल वाले का सबका ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो इसका आंसर बन जाएगा प्रति सेकंड 100 टाइम्स, एक सेकंड में 100 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछा जा सकता है, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
एक कोण अपने पूरक के आधे से 30% अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा सबसे पहले मैं पूरक की बात करूँ तो एक एंगल मेरा एक्स हो गया तो दूसरा मेरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरक एंगल का सम होता है मेरा 90 डिग्री। क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है, एग्जाम में गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। एक कोण अपने पूरक के आधे से 30% अधिक है, तो ये अक्ष है, ये अपना जो 90 माइनस अक्ष है इसका जो आधा है, इस आधे से वो 30% अधिक है, ये आपको क्वेश्चन कह रहे हैं। एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो एक एंगल अक्ष है तो इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस अक्ष। अब ये जो अक्ष है इस 90 माइनस अक्ष के आधे से 30 अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, 2 अक्ष इक्वल टू 90 माइनस अक्ष प्लस मेरा 60, तो 2 अक्ष ये माइनस अक्ष इधर आ जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा 150। 3 अक्ष इक्वल टू 150 हो गया, अक्ष की वैल्यू मेरे पास में 50 हो जाएगी, अक्ष की वैल्यू मेरी 50 आ गई। तो एक एंगल तो मेरा 50 बन चुका, अक्ष की वैल्यू मेरी 50 बन चुकी, और दूसरा एंगल मेरा है वो बन जाएगा मेरा, इसको मैं वाई कह दूं, दूसरा एंगल मेरा बन जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा गया, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच अंतर ज्ञात कीजिएगा, तो अक्ष और वाई का जो डिफरेंस बनेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, देश आजाद होता है 1947 में और बंटवारे की घोषणा होती है 3 जून 1947 को, ऑप्शन नंबर बी बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947। दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, आई थिंक इजीली आप लोग ज्ञात कर लोगे एलसीएम। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद साहब अब्दाली ने किसने युद्ध किया, तो जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है मराठों और अंग्रेज अहमद साहब अब्दाली के बीच में होता है, तो आंसर बन जाएगा मराठा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और बाबर के बीच में होता है। पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। दूसरा युद्ध होता है आपका 5 नवंबर 1556 को, ये होता है आपका हेमू और अकबर के बीच में होता है, हेमू और अकबर के बीच होता है। और तीसरा युद्ध की बात करें, तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। तीसरा युद्ध होता है आपका 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। पहले में आपका बाबर विजयी होता है, दूसरे में आपका अकबर विजयी होता है, तीसरे में आपका ये अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यारलंग तांगस्पो का प्रचलित नाम क्या है। यारलंग तांगस्पो अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, उसको तिब्बत के अंदर बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोला जाता है यारलंग तांगस्पो। ब्रह्मपुत्र को इंडिया के अंदर बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। ओके बांग्लादेश में गंगा को बोला जाता है पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को बोला जाता है पद्मा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना। यदि पद्मा और जमुना मिल जाए तो यह निर्माण करती है मेघनागा बांग्लादेश में। चलो एंड आ गया, एक दो क्वेश्चन और है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापी जाती है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापी जाती है कैलोरी में, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी जरूरत है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जरूरत है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, भारत का पहला डिफेंस सैटेलाइट, तो डिफेंस सैटेलाइट आपका G-SAT-7, ऑप्शन नंबर बी G-SAT-7। ध्यान रखना डिफेंस पूछा गया आपसे। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो संख्या बन चुकी है आपकी 5x और 6x। यदि इनमें मैं 6 जोड़ दूं, दोनों में 6 जोड़ूं तो मेरा रेशियो बन जाता है 7:8। संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। दो ऑप्शन आपने हटा लिए, दो ऑप्शन कौन से भी ले सकते हो, उसमें सबसे पहले उनका रेशियो देखिएगा 5:6 है क्या, जैसे कि ऑप्शन यही ले लेते सीधा 15 और 18, इनको मैं सॉल्व करूँ, 3 का भाग दिया मैंने 5:6, यानी इनका रेशियो 5:6 है। तो 15 और 18 में मैं 6 जोड़ूँ, तो 15 में मैं 6 जोड़ता हूँ, 18 में मैं 6 जोड़ता हूँ, 15 6 21 18 6 24, 3 का भाग दिया 7, 3 का भाग दिया 8, तो इनमें मैंने 6 ऐड किया तो नया रेशियो मेरा 7:8 आ गया, तो यानी ये मेरा ऑप्शन सी सही है। इसी के साथ में मैं ये सेट समाप्त करता हूँ, 19 सेट आपके कवर हो चुके हैं। आई थिंक काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। ओके और अभी
तो इस सेशन को समाप्त करते हैं। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। ओके, नामदेव अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर चेक कीजिएगा, कंटेंट जरूर चेक कीजिएगा क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। ओके, तो